इमरान खान ने जिस जिस को वज़ीर आला बनाया वो सब पीटीआई छोड़ गए। उस्मान बुज़दार वादा माफ गवाह बनने को तैयार। चौधरी गुलाम हुसैन ने इमरान खान के फैसलों पर बड़ा सवाल उठा दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी चौधरी गुलाम हुसैन का कहना था कि पीटीआई ने जिस तरह सियासत और हुकूमत चलाई और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने फैसले किए इस पर सीरियस ऑब्जेक्शन है। पीटीआई की जो सियासत रही है और जो उन्होंने हुकूमत की है और जिस तरह उन्होंने पार्टी और हुकूमत को चलाई और जो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर सीरियस ऑब्जेक्शन है। सीनियर सहाफी ने कहा आज तो सबको नजर आ रहा है कि परवेज खटक ने बगावत कर दी, पार्टी छोड़ दी, लेकिन वो दिन भी तो याद करो जब परवेज खटक की कारकर्दगी की वजह से ही पूरे मुल्क में पीटीआई को वोट मिले और उनकी हुकूमत बनी और परवेज खटक की कारकर्दगी की वजह से ही तहरीक इंसाफ केपी में बड़ी मेजोरिटी लेने में कामयाब हो पाई थी। केपी में दोबारा हुकूमत बनाने का पहला हक परवेज खटक का था, लेकिन इमरान खान ने महमूद खान को वजीर आला बना दिया और आज वही महमूद खान पीटीआई छोड़कर परवेज खटक के साथ खड़ा हो गया है। आज तो आपको नजर आ रहा है जी वो बगावत कर दी, जो छोड़ गया जी, ये कर दिया, वो कर दिया। ओ भाई उस दिन का याद करो कि जब कभी केपी में तो दूसरी दफा कोई गवर्नमेंट बनती ही नहीं है, आज तक तो नहीं बनी थी। पहला मेरा राइट था वहाँ गवर्नमेंट बना, आपने मुझे नहीं पूछा और एक दूसरे शख्स को बना दिया, तो आज वो साहब भी परवेज खटक के साथ है। चौधरी गुलाम हुसैन ने मजीद कहा कि इमरान खान ने पंजाब के तख्त पर जिस उस्मान बुज़दार को बिठाया था वो भी लोगों को ऑफर कर रहा है कि मैं इमरान खान और उनके करीबी लोगों के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी जान छोड़ दो।